कानपुर पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है और उसके पैर में गोली लगी है। गिरफ्तारी के बाद विकास का गुर्गा दयाशंकर, जिसने आज तक से कहा कि दबिश वाली रात विकास दुबे हथियार के साथ उसने उसको बुलाया था। कानपुर शूटआउट केस में विकास दुबे का एक साथी, एक गुर्गा, जिसको पुलिस ने दबोचा है और गैंगस्टर विकास दुबे का साथी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसने ये खुलासा किया है कि खुद विकास दुबे ने हथियारों के साथ उसे बुलाया था वहां पर। विकास दुबे ने उस रात फोन किया और फिर उसके बाद दयाशंकर को बुलाया। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी, कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उससे ने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख था वही, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं, बाहर नहीं देखा। ये बताइए कितने थे असलाह? जितने पता नहीं हमने, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको घर के अंदर कितने असलाह थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे संदेह की वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी दयाशंकर। तुम्हारा नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है उसके खेत में वही बुलाता था। घर में किसी, घर में सिर्फ गांव वाले आते थे, जो फैसला वाले जो मिला बुल जाए। कितने बदमाश उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई पुलिस आने वाले उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया थाने से। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये बहुत अहम जानकारी है और बहुत बड़ी एक कामयाबी भी कही जाए। और देखिए, आखिर में जब पत्रकार सवाल पूछता है कि उसे कैसे जानकारी मिली, तो ये कह रहे हैं कि उसको फोन आया था। इसका मतलब सीधे सीधे साफ है कि पुलिस जिस थ्योरी पर आगे बढ़ रही है कॉल डिटेल्स के आधार पर, वही कहीं ना कहीं बहुत सारे राज खोलेगी। लेकिन नवजोत, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। हालांकि इसके बाद शुरुआत से ही हो रही थी कि पुलिस के एक ही इंसाइडर ने इस बात की जानकारी दी थी विकास दुबे को, लेकिन ये बात अब पकड़े गए बदमाश के मुंह से भी साबित हो गई है कि उसके पास पुलिस स्टेशन से ही फोन आया था और उसने, विकास दुबे ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया था उसके बाद फोन करके। तो तमाम चीजें कड़ियां ढूंढती हुई नजर आ रही है। और एक अहम कड़ी ये भी है, जयशंकर जो पकड़ा गया है इसके हवाले से जो जानकारी मिल रही है उससे पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बारे में भी पुलिस को पता चला है। और इसके साथ ही साथ तमाम और दूसरे लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी भी संभव हो पाएगी, क्योंकि इसको तमाम ठिकाने लोगों के पता है, करीबी था ये विकास दुबे का, और इससे पुलिस ने तमाम अहम जानकारियां जुटाई हैं और उस पर उसके आधार पर काम भी कर रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जघन्य हत्याकांड में तमाम जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए उसमें उनका कोई अपना ही साथी था जो कि जानकारी दे रहा था। और ये भी दिखाता है कि किस तरह से अपराधियों और पुलिस का नेक्सस काम करता है और मिली भगत की वजह से ही ऐसे अपराधी फंसे फूटते हैं, ये बार फिर से साबित हुआ है। देखिए शिवेन, 3-4 चीजें अगर इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा जाए, क्योंकि आप वहां पर हैं, पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले जब कॉल डिटेल्स के बारे में पता चलता है तो पुलिस की मिली भगत सामने आती है, उस लाइनमैन के बारे में भी पता चलता है जिसने बिजली काटी थी, उसके बाद अब दयाशंकर के पकड़े जाने के बाद ये भी बात सामने और क्लियर होती है कि किस तरीके से विकास दुबे ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि उसको क्या करना है। जब भी पुलिस वहां पर आएगी, पुलिस का काफिला आएगा, किस तरीके से उसकी तरफ से पूरी प्लानिंग थी। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी पहले जाने की वजह से ही वो इतनी बड़ी प्लानिंग कर पाया जिसमें लोगों की जान गई। और ये बहुत हैरानी की बात है कि पुलिस के ऐसे बड़े सर्च ऑपरेशन या रेड के बारे में जानकारी दे दी जाए, जबकि जो तरीका होता है हर चीज गुप्त रखी जाती है। आला अधिकारियों तक सिर्फ पता होता है और टीम के बाकी सदस्यों को भी नहीं पता होता है किसको रेड कहाँ करने क्यों जा रहे हैं। और ऐसे में विकास दुबे को न सिर्फ पुख्ता जानकारी हो गई थी बल्कि उसको प्लानिंग करने तक का वक्त दे दिया था। ऐसे में बहुत संदिग्ध भूमिका है सोमेपुर पुलिस स्टेशन के SOP जिनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि वो इस ऑपरेशन में खुद स्वयं नहीं गए जबकि उनके इलाके का मामला था। बाकी तमाम थानों की पुलिस गई और CO साहब खुद गए जिनकी मौत हो गई इस पूरे मामले में। लेकिन जिस तरह से उसने प्लानिंग की थी वो बहुत हैरान करने वाला, क्योंकि उसने अपने साथियों को बुलाया बकायदा असलों के साथ, उनको प्रश्न किया कि किस तरह से हमला करना है और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और मौका वादा के तमाम सबूत भी इस बात को इशारा करते हैं कि वो पूरी पुख्ता इंतजाम करके बैठा हुआ था, चाहे वो खनन का इंतजाम हो, चाहे फिर वहां पर गाड़ियों का और JCB का इंतजाम हो। तो ये बहुत बड़ा जो योजना है वो सामने आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें पुलिस वालों की मिली भगत हो सकती है, जबकि
होने वाली है। शिवेंद्र आप रहिए हमारे साथ, देखिए किस तरीके से फोन करके गुर्गो को वहां पर बुलाया गया, इसका मतलब प्लानिंग पूरी थी। और ये खुलासा दयाशंकर जो कि उसका साथी है, पकड़ा गया, पुलिस की अब गिरफ्त में है, वो इसका खुलासा कर रहा है। जरा सुनिए क्या कह रहा है वो। अब एक बंदूक है बस, वही मारवाड़ी बाकी सब फर्जी है सलाह। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी है, निरे सलाह आ रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी, कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोल रहे। और कौन से प्रमुख लोग थे? और हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो देखा नहीं, देखा। ये बताइए असलह कितने थे? असलह जितने तो घर के अंदर लाख थे, घर के अंदर कितने असलह थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे। संदेह की वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी। जहाँ से तुम्हारे बंदूक से गोली चलाई थी? और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बदिया है उसके खेत में वही बुलाता था। घर में किसी, घर में सिर्फ गांव वाले आते थे, तो जो फैसला वाले जो मेरा बुल जाए। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाले उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया था।